तो हाय गाइस, हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पे इजीली कैसे ग्रीन स्क्रीन की एडिटिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, और मैं आपको बताऊंगा ग्रीन स्क्रीन होती क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और कैसे आप इससे एक प्रोफेशनल वीडियो शूट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सुरजीत और अगर आपको मेरी वीडियो रिकमेंड हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन बेसिकली एक ग्रीन कलर का पर्दा होता है। जितनी भी आपकी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उसमें जितना भी एक्शन होता है वो मेजरली 90% ग्रीन स्क्रीन के आगे ही शूट हुआ होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बैकग्राउंड को रिमूव करना और उसमें कोई भी क्लिप, फोटो या वीडियो को ऐड करना। तो ग्रीन स्क्रीन में आप कुछ भी रिप्लेस करके लगा सकते हो, चाहे वो कोई फोटो हो चाहे वो कोई वीडियो हो। तो मैं आपको बताता हूँ ग्रीन स्क्रीन वर्क कैसे करती है। आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये असली बैकग्राउंड नहीं है, ये मैंने ग्रीन स्क्रीन बना रखी है। मैंने एक कस्टमाइज इमेज बनाई थी, उसको मैं ग्रीन स्क्रीन की तरह यूज़ करता हूँ। तो आप कभी भी ग्रीन स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप ग्रीन स्क्रीन को एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन को आप किसी भी फोटो और वीडियो के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन होता क्या है, ग्रीन स्क्रीन एक ऐसा पर्दा होता है जो आप देख पा रहे हैं। इस पर्दे को मैंने कॉर्नर्स से अटैच कर रखा है और जितना भी एरिया ग्रीन स्क्रीन के अंदर आता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हुए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ग्रीन स्क्रीन के आगे कोई भी वीडियो या क्लिप शूट कर रहे हैं तो आप ग्रीन कलर का आउटफिट अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप ग्रीन कलर का आउटफिट पहन के वीडियो शूट करेंगे तो आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो ग्रीन स्क्रीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मैंने अमेजोन से बाय की थी 299 में, और ये बहुत ही अच्छी है। मतलब इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, जितनी मेरी दीवार है उस पूरी दीवार पे ग्रीन स्क्रीन आराम से आती है और मेरे पैरों तक नीचे पूरी प्रॉपरली ग्रीन स्क्रीन रहती है। तो ये मैंने 299 में अमेजोन से परचेज़ की थी, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस ग्रीन स्क्रीन को तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली अमेजोन पर पहुँचेंगे और वहाँ से आप परचेज़ कर पाएंगे इस ग्रीन स्क्रीन को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रीन स्क्रीन आप फ़ोन से कैसे ईजिली एडिट कर सकते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन एडिट करने के लिए मैं यूजुअली काइनमास्टर का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट ऐप है क्रोमा की प्रॉपरली एडिट करने के लिए। तो चलते हैं मेरी फ़ोन स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग होते कैसे। तो काइनमास्टर आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पे अवेलेबल है। तो अब मैं चलता हूँ अपने काइनमास्टर के अंदर और आपको बताता हूँ कि क्रोमा की एडिटिंग कैसे होती है। तो काइनमास्टर ओपन करते ही सबसे पहले हमारे सामने तीन रेशियोज आते हैं और हम हमेशा यूट्यूब के लिए 16:9 प्रेफर करते हैं, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। और जो मुझे बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो इमेज लगानी है या वीडियो चलानी है उसको मैं पहले इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरा जो कस्टमाइज इमेज है जो मैं बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है, अब मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे लेयर पे और लेयर पे जाके जो मैंने ग्रीन स्क्रीन के साथ अपनी क्लिप शूट किया उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। जो आपकी लेयर्स होती है उसको आप मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। तो ये मैनुअली होता है क्रॉप जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और इसके साथ काइनमास्टर के पास ऑटोमेटिक क्रॉपिंग भी है, वो है इस साइड पे। आप चाहे तो वीडियो को ऑटोमेटिक क्रॉप कर सकते हैं ऊपर नीचे जहाँ पे भी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके लगा देगा आपका काइनमास्टर, पर मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैनुअल क्रॉपिंग। तो मैं इसको क्रॉप करता हूँ अपनी वीडियो को और उसके बाद मैं इसको सेट करता हूँ अपने बैकग्राउंड के साथ जितनी बड़ी मेरे को अपनी फ़ोटो चाहिए। उसके बाद मैं आप क्रोमा की पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके आपको क्रोमा की एडिट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्रोमा की को एनेबल कर लीजिए, उसके बाद आपको शो मास्क का साइड में ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करना है, और जितने भी आपका फेस स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको आपको प्रॉपरली वाइट करना है और बैकग्राउंड को प्रॉपरली ब्लैक कर देना है। ये सब काम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड था, जो मेरी ग्रीन स्क्रीन थी, वो हट चुकी है और वो रिप्लेस होके मेरा जो बैकग्राउंड है जो मैंने कस्टमाइज बैकग्राउंड बना रखा है उस वो पीछे आ चुका है कि है। पर अभी भी आपको साइड में माइनर सी लाइन दिख रही होगी एक बॉर्डर सा, उसको भी हम एडिट करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैनुअली कैसे एडिट करते हैं। तो ये हो चुका है मैनुअली में जो एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद अब ये हो चुका है प्रॉपरली मैनुअली जो मैंने एडिट करा है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये एडिट हुआ है प्रॉपरली कि नहीं हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि साइड का जो बॉर्डर आ रही थी ग्रीन कलर की वो अब हट चुकी है प्रॉपरली। ऐसे आप मैनुअली जो क्रोमा की होती है उसको एडिट कर सकते हैं और प्रॉपरली अपनी ग्रीन स्क्रीन को हटा के कोई भी फोटो या वीडियो लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी लग रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि वीडियो प्रॉपरली चल रही है, और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि आवाज़ काफ़ी कम है वीडियो की। तो मैं लेयर वाली वीडियो जो मैंने सेलेक्ट की थी उस पर जाके मैं ऑडियो को इंक्रीज़ कर दूंगा, और जो मैंने लेफ्ट वाला था उसको मैंने मिडिल कर दिया, राइट वाला भी मिडिल कर दिया। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो साइड में ऑटो वॉल्यूम का जो बटन है उसको आप अनेबल कर सकते हैं, पर मैं अनेबल उसे नहीं करता हूँ क्योंकि उससे आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आती है। तो हे गाइस, हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो ऐसे आप लोग इजीली अपने फ़ोन में ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ।
तो काइंड मास्टर में बहुत सारे ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने के, 480 to 1440p तक आप मतलब एक 4K वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल वीडियो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ में साइड में फ्रेम रेट दे रखा है, फ्रेम रेट कैसे आप सेट कर सकते हैं वो आप मैनुअली सब कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट होना आपकी वीडियो पे डिपेंड करता है कि कितने GB या कितने MB की आपकी वीडियो है। तो अब ये एक्सपोर्ट हो चुकी, तो वीडियो को रैप करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो काइनमास्टर ऐप है वो एक पेड ऐप है, उसमें बहुत सारी एडिटिंग की जो टूल्स है वो पेड है, मतलब आपको एक प्रीमियमशिप लेनी पड़ती है मंथली और ईयरली। तो अगर आप प्रीमियमशिप नहीं लेना चाहते और काइनमास्टर को फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं और लगभग पूरी दुनिया ही वो तरीका जानती है। तो होप आपको वो तरीका पता होगा और आप इजीली अपनी क्रोमा की एडिटिंग कर पाएँ और वीडियोस को प्रोफेशनल लुक दे पाएँ। तो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं, होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, हैव अ ग्रेट डे।